4 मई वर्ष 1905 में अन्ना चांडी का जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ। वे देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बनी। वर्ष 1926 में अन्ना चांडी ने कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। वर्ष 1937 में केरल के दीवान सर सी पी रामास्वामी अय्यर ने चांडी को मुंसिफ यानी दीवानी विभाग के एक न्यायाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। मुंसिफ के पद पर वो दीवानी विभाग के न्यायाधीश के तहत छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करती थीं। उस दौर में अन्ना लॉ की डिग्री लेने वाली केरल की पहली महिला थीं। वर्ष 1948 में अन्ना चांडी का जिला जज के तौर पर प्रमोशन हो गया। उस समय तक भारत के किसी भी हाईकोर्ट में कोई महिला जज नहीं थी। इसके बाद 1959 में अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट में पहली महिला जज बनी। 4 मई वर्ष 1959 में पहली ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हुआ। यह पुरस्कार कलाकारों द्वारा संगीत की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार संगीत की विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमिक ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। संगीत जगत के सबसे मशहूर अवार्ड को जीतने वाले सबसे पहले भारतीय रविशंकर थे। उन्हें वर्ष 1968 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया था।